हेलो गाइज, कैसे सब लोग? अच्छे ही हो गए। तो आज मैं आपको टाउन हॉल 11 पे जेंट अटैक कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड हाँ गाइज, मैं हमेशा न्यू स्ट्रैटेजी डेली अपलोड करता हूँ। हाँ, आपको कुछ अलग स्ट्रैटेजी चाहिए तो नीचे से कमेंट कर देना, मैं वीडियो आपके लिए बना ही दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पहला बस, ठीक है। तो गाइज, आपको क्या क्या लेना है मैं आपको बताता हूँ। ट्रूप एक एक्चुअल लेना है, 31 जैन लेना है, 3 सुपर गोबली लेना है, एक वॉलबेक लेना है आपको, और एक बैलून्स लेना है, 4 विजर लेना है, और 4 हीलर्स लेना है आपको, और एक बेबी ट्रैंक लेना है, ठीक है। आपको लॉग लेंचर लेना है, उसके अंदर एक पिका और एक बलकारी, ठीक है। और एक हीलिंग स्पेल ले लेना, एक रेस स्पेल, 2 फ्री स्पेल, एक पॉइजन स्पेल, और 6 बैट स्पेल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये फाइनल के लिए हमने 3 गोब्लिन डाल दिया इधर से, और एक बेबी ड्रैगन डाल दिया वहाँ पे फाइनल के लिए, क्योंकि साइड को क्लियर करना है। यहाँ पे हमने डाल दिया वॉल पेकर को, और क्वीन को डाल के सारे के सारे हीलर से पीछे को हमने डाल दिया, क्योंकि अंदर जाना है। पीछे से लॉग लॉन्चर भी हमने डाल दिया, ठीक है। सब अंदर जाएंगे अभी। किंग भी पीछे से डाल दिया, क्योंकि किंग को भी अंदर जाना है। और एक रेस्पेल डाल दिया, और एक पॉइजन स्पेल डालते हैं, क्योंकि उसको किंग को डैमेज करना था, ठीक है। अच्छा तरीके से इसमें काम कर रहा है, सब अंदर ही जा रहे हैं। 2-2 मल्टी था, सारे के सारे जेंट हमने डाल दिया वहाँ पे, सब अंदर जा रहे हैं। 5 बस आपको बचाना है, ठीक है। किंग का भी अपडेट दे दिया हमने, अच्छा तरीके से इसमें काम कर रहा है। कुछ पीछे से हम बुड्ढे को छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि अंदर जाना है, उसको अपडेट भी देना पड़ेगा। और एक हमने हीलिंग स्पेल डाल दिया, क्योंकि मल्टी इन्फो था इसलिए कुछ इशू हो जाता, और हमने अपडेट भी ठीक टाइम पे दे दी, ठीक है। अच्छा तरीके से बेस में काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। कौन भी बचा है, सारे के सारे बैट्स ने हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और एक फ्री स्पेल डाल दिया वहाँ पे, क्योंकि उज्जर टावर था, थोड़ा इशू हो जाता। अच्छा तरीके से बेस में काम भी कर रहा है, बहुत बढ़िया। और एक फ्री स्पेल भी बचा है। यहाँ पे 2 साइड फाइनल के लिए हमने डाल दिया विजेट, ठीक है। 5 जेंट हमारे पास अभी भी बचा है, और एक बैलून भी बचा है। यहाँ पे हमने 2-3 इधर से डाल दिया, सारे के सारे हमने जेंट डाल दिए, क्योंकि फाइनल को क्लियर करना है फटाफट। यह डिफेंस सब मर जाएंगे अभी। अच्छा तरीके से वैसे में काम कर गया, बहुत बढ़िया। फ्री स्पेल लेके हमने स्वॉक कर दिया, ठीक है। अभी फाइनल क्लियर हो गया साइड में और मिडिल में, ठीक है। ये लो भाई, हो गया 3 स्टार, ठीक है। आपको बस ऐसे ही करना है, मुश्किल है जेंट अटैक, लेकिन आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करो। नीचे से लिंक दे दूंगा आपको, क्या क्या ट्रूप लेना है, या बैट कॉपी कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये लो भाई, हो गया हमारा 3 स्टार। तो चलिए गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वैसे दिखाता हूँ, आपको नेक्स्ट वैसे में क्या क्या कैसे करना है बेस में। तो गाइज, ये रहा हमारा नेक्स्ट फेस, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइनल के लिए डाल दिया एक विजेट और एक जेंट को, ठीक है। वॉल बेकर डाल दिया वहाँ पे, क्योंकि अंदर जाना है सबको अभी। फाइनल के लिए यहाँ पे गोब्लिन का डाल दिया हमने, और पीछे से क्वीन को, 2 गोब्लिन यहाँ पे डाल दिया फाइनल के लिए। सारे ही लोटर डाल दिए क्वीन के पीछे, क्वीन को चार्ज कर रहे, बहुत बढ़िया। लॉग लॉन्चर डाल दिया अंदर, क्योंकि अंदर को वाल तोड़ के जाना है। किंग को भी डाल दिया, किंग को भी अंदर जाना था। सारे के सारे हम जेंट से डाल दिए, और 6 जेंट हमने बचा के रखा है, ठीक है। पीछे को बुड्ढो की भी डाल दिया हमने, क्योंकि अंदर जाना है सबको, बहुत बढ़िया। एक सिंगल इन्फो ही बचा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पॉइजन स्प्रे डाल दिया, क्योंकि क्वीन था और किंग था, दिक्कत हो सकता था, हमारे जेंट मर जाते। और बूटे का भी हमने अपडेट दे दिया ठीक टाइम पे, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता था, कोई बात नहीं, ठीक टाइम पे तो हमने दे दी। अच्छा तरीके से बेस में काम कर रहा है, टाउन हॉल भी हमको मिल गया, बहुत बढ़िया। अच्छा खासा काम भी कर रहा है बेस के अंदर, बहुत सारे जेंट भी बचा है अभी तक हमारे पास। और एक हीलिंग स्प्रे डाल दिया, क्योंकि हीलिंग बहुत कम था, इसीलिए हमने डाल दिया वहाँ पर।
यहाँ पे भी बहुत सारा जेंट बचा है, ठीक है। पिकअप भी बचा है जो हम सीसी के अंदर लेते, सारे के सारे बिहार से हमने ड्रॉप की थी इधर। और एक हम फ्री स्पेल डाल दिया इधर, ठीक है, दिक्कत हो सकता था। यहाँ पे एक बैलून डाल दिया हमने, क्योंकि अपने इस साइड को क्लियर करना है। बिहार से आएंगे, एक ही फ्री स्पेल हमारे पास बचा था, ठीक है। और एक फ्री स्पेल भी यहाँ पे हमने डाल दिया, और सारे के सारे जेंट्स हमने यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि बैट्स को हम पर फ्री स्पेल नहीं बचाई अभी तक, क्योंकि बैट्स को अंदर जाना है अभी। विजेट आ रहे हैं इसलिए थोड़ा इशू हो जाता। और एक फनर के लिए हमने डाल दिया विजेट, ठीक है। और एक विजेट भी हमारे पास बचा है, अच्छा तरीके से इसमें काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। ये तो मरेगा नहीं ना बैट्स। अरे भाई सारे के सारे बैट्समैन के कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे जेंट भी बचा है हमारे पास। यहाँ पर फनर के लिए और एक विजेट डाल दिया, और एक एक्चर को, ठीक है, क्योंकि साइड को जल्द से जल्द क्लियर करना है, नहीं तो थोड़ा इशू हो जाता। क्वीन का भी एबिलिटी बहुत बचा है अभी, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं यूज करने की, बहुत सारा जेंट बचा है ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। ये लो भाई हो गया 3 स्टार, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वैसे दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ये रहा हमारा नेक्स्ट वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर 3 सुपर गोब्लिन डालते, क्योंकि फनेल को क्लियर करना है साइड में। वॉल ब्रेकर भी हमने डाल दिया, क्योंकि ट्रूप्स को अंदर जाना है सारे के सारे को। किंग को डाल दिया हमने, पीछे से हीलर को सारे के सारे डाल दिया, और बैलून से भी डाल दिया। पूनिया भी लगता है अंदर में जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब क्वीन किधर चला गया यार, अंदर जाना था बाहर चला गया, पता नहीं। इस साइड में जो एयर आर्मी कैम्प था ना, उसको पहले क्लियर करना था, इसीलिए इशू हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम किंग डाल दिए, और एक जेंट को, 2 जेंट डाल दिए, लॉग लॉन्चर भी डाल दिए, और एक भी जेंट डाल दिए वहाँ पे, क्योंकि लॉग लॉन्चर था इसलिए दिक्कत हो सकता था, इसलिए हमने डाल दिया वहाँ पर। और सारे के सारे जेंट्स हमने डाल दिए यहाँ पर, ठीक है। और 5 बचाए हमारे पास अभी, बुड्ढे को भी डाल दिया पीछे से। मल्टी इन्फो एक है, और एक सिंगल इनपो एक है, ठीक है। अच्छा तरीके से इसमें काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्वीन पे अभी अंदर जा रहा है, बहुत बढ़िया। ईगल को भी मिलेगा, क्वीन ही लेगा। और एक हीलिंग स्पेल डाल दिया वहाँ पे, एक रेस स्पेल, ठीक है, क्योंकि क्वीन वहाँ पे था, दिक्कत हो सकता था। पॉइजन स्पेल भी डाल दिया, क्योंकि उस पहले क्वीन को डैमेज करना था। बहुत बढ़िया, अच्छा तरीके से वैसे काम भी कर गया, बहुत बढ़िया। और वार्डन का भी अपडेट दे दिया ठीक टाइम पर। एक्सबो मार रहा है, उजड़ मार रहा है, यार बम मार रहा है, इसीलिए हमने हमको देना पड़ा ठीक टाइम पे। यहाँ पे एक डाल दिया हमने जेंट को, और सारे के सारे बैट्स को हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। किंग का एबिलिटी दे दिया हमने फाइनल के लिए। इस साइड में बेबी ड्रैगन डाल दिया, और एक जेंट को डाल दिया, क्योंकि उजड़ डर था इसलिए थोड़ा इशू हो जाता, इसीलिए हमको डालना पड़ा। बहुत बढ़िया, अच्छा तरीके से वैसे भी काम भी कर गया। 2 फ्री स्पेल बचा है, यूज ही करना पड़ेगा वहाँ पर, तो थोड़ा इशू हो जाता है वहाँ पे। फ्री स्पेल एक डाल दिया, और एक फ्री स्पेल हमको डालना पड़ेगा वहाँ पे, और एक भी हमने डाल दिया। नहीं डालते तो मर जाते सारे के सारे बैट्स। येलो हो गया हमारा भाई 3 स्टार, ठीक है। यहाँ पे 2 उजट डाल दिया हमने फनल के लिए, और एक एक्चर को डाल दिया फनल के लिए, ठीक है। तो भाई लो, ये हो गया हमारा 3 स्टार, ठीक है। येलो भाई, ये हो गया हमारा 3 स्टार, अच्छा तरीके से बेस पे काम भी कर गया, बहुत बढ़िया। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। फिलो।